मानव अधिकार दिवस पर सीटू के बैनर तले आशा उषा सहयोगियों ने काली पट्टी बांधकर काला झंडा लेकर अपनी लंबित मांगों को लेकर रैली निकालकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में आशा उषा सहयोगियों द्वारा अपने जीने लायक वेतन की मांगों को लेकर नगर के कारगिल चौराहे पर काले झंडे दिखाकर काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही राज्य सरकार से अपनी मांगों के निराकरण के लिए अपनी बात रखी। सीटू की ओर से विजय बैरागी ने प्रदर्शन की अगुवाई की और सभी ने मिलकर अंत में मुख्यमंत्री के नाम SDM शिवानी गर्ग को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें राज्य सरकार से अपनी मांगों के निराकरण के लिए मांग की है। इस अवसर पर जिला आशा कार्यकर्ता समूह की सचिव रेखा मोदी, बंटी जोशी, कला सेन सहित बड़ी संख्या में आशा कार्यकर्ता मौजूद रहे। संदर्भ में ये जो काला दिवस मनाया गया, ये सर्वविधि है कि आशा कार्यकर्ताओं ने एक लंबे अरसे से अपने जीने लायक वेतन की मांग को मध्य प्रदेश सरकार के सामने, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के सामने रख रखा है। क्रम से ये बार बार अनेक बार अपनी हड़ताल करते हैं। हाल ही में इनको कोरोना की अतिरिक्त ड्यूटी के नाम पर जो 1,000 रुपये का अतिरिक्त मानदेय दिया जा रहा था वो भी बंद करने की कोशिश की गई। जिला स्तर पर 4 दिसंबर को और सारे प्रांत भर में आशा कार्यकर्ताओं ने इसके लिए प्रदर्शन किया। उसे मान करके कोविड की यह अतिरिक्त धनराशि मार्च तक बढ़ाने का आदेश जारी हुआ है। लेकिन आशा कार्यकर्ताओं की मुख्य मांग अपना वेतन वृद्धि करवाना एवं अन्य सुविधाएं, जिसके बारे में मध्य प्रदेश सरकार को कई बार लिखित में ज्ञापन दिया जा चुका है। सीटू के बैनर तले ये कर्मचारी, ये आशा कार्यकर्ता अपना प्रदर्शन मनासा ब्लॉक का यहाँ पर कर रही है और ये मांग मध्य प्रदेश सरकार से की जा रही है कि हमें जीने लायक वेतन दिया जाए, क्योंकि हम बहुत ही विपरीत परिस्थितियों में गांव-गांव में यह कार्य करती हैं, जिसमें जच्चा बच्चा से लेकर के टीकाकरण तक अनेक जिम्मेदारियों को पूरे कार्यकर्ता की तरह से इन्हें माना जा रहा है चाहिए और उसी अनुसार इन्हें वेतन भुगतान होना चाहिए। यही मांग लेकर के आज 10 दिसंबर को विश्व मानव अधिकार दिवस पर काला दिवस मना करके आशा कार्यकर्ता सारे प्रदेश में यह संदेश दे रही है कि हमें अगर जीने लायक वेतन दिया जाएगा तभी मानव अधिकारों की रक्षा हो सकेगी। आज हम मानवाधिकार को काला दिवस के रूप में मना रहे हैं, तो आशाओं को इतना वेतन भी नहीं मिलता कि वो जीने लायक वेतन हो। सिर्फ 2,000 रुपये मिलते हैं और आशा सहयोगी को 7,000 रुपये मिलते हैं। इससे क्या घर चल सकता है? नहीं। तो सरकार को पता होना चाहिए कि आशाओं को कम से कम जीने लायक वेतन तो दिया जाए और साथ में सहयोगी को भी TADA और उनके मानदेय में या न्यूनतम वेतन की मांग को लेकर हम इतने सालों से ज्ञापन दे रहे हैं, तो हमारी न्यूनतम वेतन की मांग को मान्य